Hi guys, welcome back to our channel Hey Shivam Vlogs. Hope you all are going well, and if you are watching me for the first time, please make sure to subscribe this channel and hit the bell icon for getting the updates of my upcoming video. And सुबह की शुरुआत हो चुकी है कॉफ़ी एंड पकौड़े से, एंड आज थोड़ा चेंज है कॉफ़ी पकौड़े के साथ. आज पढ़ाई नहीं बल्कि टीवी है, एंड उसके बाद फिर मैंने अपना टारगेट बनाया. आज संडे है तो क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो मैंने सारे रिवीजन टारगेट बनाए. लाइक 4-5 चैप्टर के आपने नाम देखे होंगे, तो वो सब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि उन्हें फिर से रिवाइज किया जाए. एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गया क्वेश्चन सॉल्व करने. एंड आप मेरे बुक में ये देख रहे होंगे कि स्टिकी नोट्स ऐसे ऊपर के तरफ निकले होते, तो ये मैंने बुक मार्क के तरह मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि बहुत याद करने वाले होते हैं, तो मैंने उन पेजेस पे ये मार्क लगा देता हूँ. या कोई डाउट रहता है मेरा किसी पेज में, तो मैं वहाँ पे इसे स्टिक कर देता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा खोजने में परेशानी ना हो. एंड आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं बताने वाला हूँ कि मैंने PWQ ज्वाइन किया, आकाश क्यों नहीं ज्वाइन किया. तो दोनों इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छे हैं, दोनों अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकाश ख़राब है या PW अच्छा है, दोनों इंस्टीट्यूट ठीक है. बट मुझे जो एक चीज़ लगा कि ऑनलाइन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है टाइम की, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में आपको इंस्टीट्यूट को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है. एंड मुझे लगा कि अभी मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना मेरा नहीं हुआ उसमें बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है. एंड बहुत सारे चैप्टर्स मेरे पिछले बार छूट गए थे, तो उन सब पे मुझे ज़्यादा फोकस करना था. तो क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था टाइम में एंड चैप्टर्स के ड्यूरेशन में, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया ऑनलाइन. ऐसे ऑफलाइन या आकाश इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं है, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है. एंड मैंने अभी तक जो भी सीखा है वो वहीं से सीखा है. एंड उसके बाद फिर एंड दिन में पढ़ाई करने के बाद फिर शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लाइक आप देख भी सकते हैं, और बारिश वारिश भी हो रही थी. तो मौसम आजकल यहाँ ठीक ही चल रहा है, गर्मी उतनी नहीं हो रही है, बट हाँ गर्मी अभी भी है, उतनी भी कम नहीं हुई है, बट ठीक है, ऐसा मौसम अच्छा लगता है मुझे बारिश वाला. बट बारिश तभी तक अच्छा लगता है जब तक आप घर में रहते हैं, घर के बाहर बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो वो मुझे एकदम नहीं पसंद. एंड क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, तो आज घर में पिट्ठा बना था. जिन लोगों को नहीं पता, पिट्ठा ऐसे सूजी का बनता है, उसमें दाल भर के, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे. तो मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट किया, तो मम्मी ने बना दिया. एंड उसके बाद मेरा तबीयत आज उतना कुछ ठीक लग नहीं रहा था, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, फिर अपना बोर्ड साफ़ किया एंड कल के लिए टारगेट्स लिखे. जिस दिन आपने ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन के लिए टारगेट लिखे, एंड उसके बाद फिर मैं जाके सो गया. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी रोज़ व्लॉग आए, तो रोज़ आपको अपडेट्स चला जाए. एंड इस चैनल पे जिनको नहीं पता है, लाइव स्टडी विथ मी भी होता है एंड शॉर्ट्स भी आते हैं, तो उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं. एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, लाइक कब लाइव है, एंड लिंक भी शेयर करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लें. तो फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, बाय. तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें.